हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस के ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कल से एक सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। पहले इनके 3 ODI मैच होंगे, बाद में इनके 3 T20 मैच होंगे। सीरीज है बिटवीन इंग्लैंड एंड बांग्लादेश। जहां तक मुझे याद आ रहा है, इंग्लैंड करीबन 7 साल के बाद खेलने जा रही है बांग्लादेश के अंदर। तो कैसी एक्सपेक्टेशन है हमें इस सीरीज से, बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी स्क्वाड की। उससे पहले आपको बता दूं कि आप सभी जानते हो कि बांग्लादेश के अंदर जाके बांग्लादेश को हराना थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा कि काफी मुश्किल काम है। और कितना मुश्किल काम है वो आप इस बात से समझ लो कि लास्ट 7-8 साल में ना ये लोग शायद सिर्फ एक सीरीज हारे हैं, सिर्फ एक। इंडिया को भी हराया है उन्होंने, साउथ अफ्रीका को भी हराया है, पाकिस्तान को भी हराया है। मतलब कोई ऐसी टीम बची नहीं है जिसको इन्होंने ना हराया और जिसको इन्होंने दूर ना चटाई हो। तो वैसे देखा जाए तो काफी टफ है। इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं योद्धाओं की स्क्वाड की। तो मैंने चुनी है अपनी, वैसे अगर आप मुझसे पूछो, मैंने रॉय और सॉल्ट को रखा ओपनिंग में। मैं पर्सनली होता ना तो मैं रॉय को लेता ना मैं सॉल्ट को लेता, क्योंकि मैं इनको क्वालिटी बेटर नहीं मानता। वनडे का तो मैं इन्हें कतई भी नहीं मानता, ठीक है। पर मुझे लग रहा है ये खेलेंगे। तो रॉय सॉल्ट ओपनिंग, मलान 3, 4 विंस, 5 बटलर, 6 अली, 7 करण, 8 राशिद, 9 आर्चर, 10 टोपली, 11 गोल्ड। ये मैंने 11 अपनी रखी है। वैसे अगर मुझे आप टीम पिक करने को बोलते तो मैं विल जैक्स को लेता सोल्ट की जगह, ठीक है, और एक विंस को कराता मैं ओपनिंग। यानी कि मेरी ओपनिंग करते विंस और जैक्स, ये मेरे ओपनर होते। और मैं एक मिडिल ऑर्डर में किसी एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर ले लेता, लाइक वॉक्स को ले लेता, क्योंकि वॉक्स काफी अच्छी ऑलराउंडर कैपेबिलिटी रखता है। प्रॉपर बैट्समैन है वो, क्रिस वॉक्स। टेस्ट मैच में सेंचुरी है उसकी इंडिया के अगेंस्ट, तो काफी अच्छा बैट्समैन है। खैर अब जो नहीं है सुनेंगे। अब मुझे स्क्वाड के बारे में तो आपको बताने की जरूरत उस तरह से नहीं है कि आप सभी जानते हैं किस प्लेयर की क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो जो प्लेयर बाहर बैठ जाएंगे, जैसे वोक्स बाहर बैठेगा मेरे ख्याल से, जैसा कि महमूद बाहर बैठेगा, रेहान अहमद तो खामे खाम ऊपर ला रहे हैं। मैं आपको बता दूं रेहान अहमद चलने वाला नहीं है। मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल, जहां तक मेरा एनालिसिस है, इस प्लेयर को लेके इसमें दम नहीं है। वनडे को लेकर तो इसमें कदे दम नहीं है। ये बैटिंग वैसे अच्छी कर लेता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग मुझे इसकी लगी नहीं उतना कि ये चलेगा। देखते हैं बाकी क्या रहेगा, ठीक है। और विल जैक्स मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली बाहर बैठना पड़ जाएगा। तो इनका जो बैटिंग ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर ठीक है, देन मिलान विंस ठीक है, और नीचे का इनका ऑर्डर थोड़ा सा अच्छा है। अगर ज्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग में कहूँ तो इनका लोअर मिडिल ऑर्डर ही है, बटलर, अली, करण, राशिद, ये 4 जो है ना, क्योंकि ये अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, मेन बात यह है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो मेरे ख्याल से तकरीबन सेम स्क्वाड खेलना है जो इंडिया के अगेंस्ट खेला था इनका। तमीम और लिटन दास ओपनिंग, 1 डाउन, नजमुल हुसैन संतो। संतो अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो हुआ था उसमें टॉप स्कोरर रहे थे, तो ये जरूर दिखेंगे मेरे ख्याल से। 4 पे शाकिब, 5 पे मुशफिकर रहीम, 6 पे महमूदुल्ला, और ये स्ट्रॉन्ग इनका मिडिल ऑर्डर है, यही इनकी जान है। आप कभी भी देखना, ये हमेशा अपने मिडिल ऑर्डर और अपनी स्पिन बॉलिंग से जीतते हैं। 7 पे आफीफ हुसैन। आफीफ हुसैन ने छोटे से करियर में काफी अच्छी पारी खेली है। एक मैच मुझे ध्यान है, आफीफ हुसैन और मेहंदी हसन मिराज ने 5 पैसे का घोड़ा उड़ाया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जब इनके 4 या 5 आउट हो गए थे 30 या 40 पे, और वहां से 200 समथिंग चेज किया था बिना किसी विकेट के खोए। और मेहंदी हसन ने एक और उड़ाया था भी 4-5 पैसे का इंडिया के अगेंस्ट, आपने देखा ही होगा, लास्ट विकेट ने 50 रन बना दिए थे, ठीक है। तो बैटिंग इनकी जो है नंबर 8 तक है, काफी अच्छी बैटिंग है। मेहंदी हसन मिराज तो ओपनिंग भी करता है कई बार बीपीएल में आपका, ठीक है जी। और बॉलिंग भी अच्छी है, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, और 11 पे मैंने लिया है इबादत हुसैन को। 24 थी इबादत हुसैन, वैसे ये इनके ऊपर रहेगा। हो सकता है आपको मैच के दिन आपको देखने मिल जाए कि तस्कीन, सॉरी, इबादत हुसैन की जगह या तो हसन महमूद खेल जाए, या अगर पिच मिल रही है, स्पिन को फेवर कर रही है, तो ये ताइजिल इस्लाम को खिला ले अगर ज्यादा स्पिन पिच में है तो, क्योंकि इनको पता है कि इनका जो फास्टर है उसको इंग्लैंड इंग्लैंड वाले आराम से खेल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी फॉर्मेटेबल साइट है, और होम एडवांटेज जो है वो इनको है।
अच्छा गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट इतना है, अगर लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके आइएगा, मेरे को सर्च मत कीजिएगा, वरना मेरे नाम के 7, 8, 9, 10 फेक चैनल बने हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप उन चैनल में पहुंच जाए और आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए। बात करते हैं फाइनल सेक्शन, हमारा प्रेडिक्शन। देखो भैया, अगर इंग्लैंड खेली पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी स्ट्रेंथ का मेरा मतलब क्या है कि इन्होंने ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है सीरीज के अंदर, ठीक है, अगर ये रशीद इनका स्पिनर है उसको खिलाते हैं सारे मैच, आर्चर को सारे मैच खिलाते हैं, टॉपली वुड को खिलाते हैं, तो मैं आपको बता दूं पिच जैसी मर्जी बना ले बांग्लादेश वाले, ये पेल देंगे इनको, ठीक है। दूसरी बात, बांग्लादेश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पिच। आपने देखा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया गई थी खेलने बांग्लादेश के अंदर, तो लिटा लिटा के मारा था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, पिच ऐसी बना रहे थे 120 बन रहा है ना, वो भी बनना भारी पड़ जा रहा है ऑस्ट्रेलिया वालों पर, ठीक है। तो ये सेम चीज यहां भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं अगर इंग्लैंड ने पूरी टीम खिला दी तो ये पिला देंगे इनको पानी, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग में दम है, ठीक है। सारी चीजें मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, राज नहीं खोलूंगा यहाँ पे कि किस तरीके से इंग्लैंड, बेशक उनका स्पिन अटैक उनसे ज्यादा अच्छा है बांग्लादेश का, इंग्लैंड से बेशक इंग्लैंड की स्पिन खेलने की टेक्निक भी वीक है बांग्लादेश से, फिर भी अगर उन्होंने पिच बनाई सोच के कि हम तो इन्हें मट्टी पिच बनाएंगे और गिरा लेंगे, तो आपको बता दूं इंग्लैंड भी इनको ऐसे मारेगा। तो बहुत चीजों को मैं यहाँ प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि पिच को उस टाइम देखना पड़ेगा, बहुत चीज मैटर करती है। अगर मान लो अच्छी पिच बनी, बांग्लादेश ने 300 बना दिए तो भी मैटर नहीं करता, खराब पिच बनी, बांग्लादेश ने 210 बनाए हैं तो भी बहुत मैटर कर जाएगा। तो यहां से प्रेडिक्शन करना गलत हो जाएगा। मेरा बस ये कहना है कि इंग्लैंड का अपर हैंड रहेगा अगर वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेले। और दूसरी बात, तीसरी बात, मैं इस सीरीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि इंडिया वाली सीरीज की तरह रहेगा कि दोनों तरफ मैच घूम रहे हैं। आई थिंक इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक है वो काफी पोटेंट है, हमारे से बेटर बॉलिंग अटैक उनका है। ऐसा नहीं होगा कि 51-52 रन चाहिए और कोई मेहंदी हसन जैसा आदमी आके नंबर 11 की पार्टनरशिप आर्चर वुड ये करवा दे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है कि इंग्लैंड का ऊपर का हाथ रहने वाला है, और आप भी उस दिन डिसाइड कीजिएगा कि पिच कैसी है। आपको लग रहा है 200-225 बन गए हैं बांग्लादेश ने बना लिए हैं और पिच में जान है स्पिनर्स के लिए, तो बिल्कुल चांस लीजिएगा, बांग्लादेश आपको मैच बना के देगा। आपको लग रहा है फ्लैट पिच है, बांग्लादेश ने 310 बना दिए हैं, तो भी शायद मुश्किल हो जाएगा, पिच के ऊपर रहेगा सारा सारा खेल जो रहेगा, ठीक है जी। तो मैं ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकता हूँ कि हाँ एक मैच तो जरूर बांग्लादेश को टक्कर देगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।